नमस्कार, मम्मी यम्मी किचन फूड में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और गर्मी बहुत है, गर्मी देखिए कितनी पसीना आ रहा है मुझे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है अभी। तो गर्मी में अगर आप बाहर निकलते हैं तो उसके लिए सतुआ के शरबत बोलिए, घोल बोलिए, जो बोलना है, सत्तू चने का घोल के और पी के निकलिए। पूरे दिन पेट ठंडा रहेगा और बहुत अच्छा फील करिएगा। तो हमारे यहाँ लोग सुबह सुबह उठ करके सत्तू के घोल पीते हैं। तो कैसे बनाते हैं वो आपको मैं बताती हूँ, और अगर आपको आता है बनाने तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है बनाने तो आप मेरे से बनाए हुए देख करके सीख लीजिए और अपने घर में बनाइए। गर्मी में बाहर निकलिएगा तो लू नहीं लगेगा, अगर चने के सत्तू के घोल पी के निकलेंगे तो। तो आइए मैं बना के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, सत्तू के घोल के लिए ये आइस क्यूब है, ये रहा। अगर आप आइस पीना नहीं चाहते उसके साथ तो कोई बात नहीं। और ये चिल्ड पानी है, ये देखिए, मुझे 4 गिलास सत्तू के घोल चाहिए तो मैं इसके लिए 4 गिलास पानी ले ली हूँ। और ये देखिए, मेन बेस चना के सत्तू है और ये प्लेट में मैं रख ली हूँ। इसके लिए ये प्याज है, हरी मिर्च है, टमाटर है, कटिंग कर ली हूँ। अगर आप नहीं पी सकते प्याज टमाटर तो स्किप कर दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। और भुना हुआ जीरा पाउडर इसमें है, जीरा भून के एक लाल मिर्च डाल के कूट लीजिए इसे अच्छी तरह से। तो अब मैं इसमें चने के सत्तू लेती हूँ, आप मिक्सी में भी बना सकते हैं, धनिया पत्ता भी थोड़ा सा है। और ज़्यादा देर तक प्याज में ना स्मेल आ जाती है, अगर तुरंत पीना है तो प्याज डालिए, अगर टेस्ट आपको अच्छा है तो, नहीं अगर अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। और इसमें जितना हरी मिर्च आप खा सकते हैं अपने स्वाद अनुसार लीजिए। ये हो गया, अब इसके अकॉर्डिंग नमक ठीक है, आप नमक भी टेस्ट के हिसाब से लीजिए। अब इसके अंदर पानी डालती हूँ मैं, ये पानी डाल के इससे मिला लीजिए। आप मिक्सी में भी मिला सकते हैं, अच्छी तरह से फेंट सकते हैं इसे। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाइएगा ताकि इसमें गांठ ना बने, और रही से अच्छी तरह से इसे घाट लीजिएगा। इसको दलघोटनी बोलते हैं, आपके पास मैसर होगा मैसर से भी मिला सकते हैं आप, उस पर ज़्यादा पूस नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे कर लीजिए। अगर मिक्सी है तो मिक्सी में डाल के सब, और मिक्सी को चला दीजिए, लेकिन मिक्सी चलाइएगा तो प्याज बाद में डालिएगा, नहीं तो प्याज पीस जाएगा उसके अंदर और हरी मिर्च भी पीस जाएगा। बस चने के सत्तू पानी आइस डाल के मिला लीजिएगा, आइस भी बाद में डाल सकते हैं आप। ये देखिए, मैं 4 गिलास पानी इसके अंदर डाल दी, ये देखिए। ये हो गया घोल तैयार अच्छी तरह से, इसमें टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी हो जाता है। और इसके बाद इसमें जीरा पाउडर, ये भुना हुआ कुटा हुआ जीरा पाउडर, आप ऊपर से ग्लास में भी डाल सकते हैं, अगर ग्लास में जैसे कि सत्तू आप डाल रहे हैं। अब इसे चम्मच से ऐसे मिला करके, ये देखिए, ये हो गया 1 गिलास हो गया, इसे ढक रखती हूँ मैं। दूसरा ग्लास हो गया, तीसरा भी हो गया। अब थोड़ा ये एक्स्ट्रा बच गया, एक्स्ट्रा बाद में भी आप थोड़ा मिला के पी लीजिए अगर ज़्यादा पीना है तो, क्योंकि सत्तू जो गया 4 गिलास पानी में तो ये एक्स्ट्रा हुआ। अब इसमें आइस डाल दीजिए, ये देखिए, जितना आपको आइस पीना है। और बस मेरे तरह से पी करके देखिए, ये देखिए राजधानी सत्तू है, सतेंद्र सत्तू भी आता है। सत्तू के इतने छोटे छोटे पैकेट आते हैं, 1 किलो के भी आते हैं, 1 पाव के भी आते हैं, 1/2 केजी के भी आते हैं, तो आप ले लीजिए, मार्केट में मिलता है। नहीं तो मैं घर में सत्तू बनाने के दे रखी हूँ अपने दूसरे वीडियो में, आप देख सकते हैं मेरा वीडियो कैसे सत्तू बनाते हैं। तो घर में सत्तू बना लीजिए मिक्सी में पीस के, बहुत बढ़िया रहेगा, शुद्ध रहेगा। और तो चलिए मैं आपको पी के बताती हूँ कि कितना बढ़िया लग रहा है। बहुत ही टेस्टी है और पूरे दिन तरोताज़ा रहिए इसको पी करके। तो अगर आपको अच्छा लगा चने के सत्तू
तो मम्मी एमी किचन फूड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।